उत्तराखंड सरकार अपनी एक बड़ी योजना नंदागौरा योजना को बदलने जा रही है, जिससे बेटियों के उच्च शिक्षा के खर्चे में सहायता मिलेगी। जी हां, नंदागौरा योजना के तहत बेटियों को उच्च शिक्षा के लिए सरकार हर साल कुछ धनराशि देगी। इसके लिए नंदागौरा योजना में बदलाव किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभागीय अधिकारियों को इसके लिए एक महीने के भीतर विस्तृत रूपरेखा तैयार करने के लिए निर्देश दे दिए हैं। आपको बता दें कि प्रदेश की दो देवियों नंदा और गौरा के नाम पर शुरू की गई नंदा गौरा योजना के तहत वर्तमान में सरकार बेटियों के जन्म पर 11,000 रुपए और उसके बाद 12वीं पास करने पर 51,000 रुपए की धनराशि देती है। लेकिन अब सरकार इस योजना में बदलाव करने जा रही है। सरकार की मंशा है कि इस योजना को सुकन्या समृद्धि योजना से जोड़ते हुए हर साल पात्र बेटियों के खाते में कुछ धनराशि दी जाए, जो 10,000 या उससे अधिक हो सकती है। बेटियों को उच्च शिक्षा में प्रेरित करने के लिए यह धनराशि दी जाएगी, जिससे उनका उच्च शिक्षा में प्रतिभाग बढ़ेगा। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद अब नंदागौरा योजना में जरूरी बदलाव के लिए प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। प्रस्ताव तैयार किए जाने के दौरान यह देखा जा रहा है कि योजना के तहत पात्र बेटियों को उच्च शिक्षा के लिए हर साल तय धनराशि दी जाए या फिर अलग अलग कोर्स के लिए अलग अलग धनराशि दी जाए। बने रहिए पहाड़ से मैदान की हर खबर के लिए देवभूमि दर्शन के साथ।